दूसरी ओपन आरके कप टाइकोंडो प्रतियोगिता का किया आयोजन। आरके मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी द्वारा डॉक्टर बीआर अंबेडकर भवन स्थित एचएमटी पिंजौर में दूसरी ओपन आरके कप टाइकोंडो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में पिंजौर कालका पंचकुला से करीब 300 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रतियोगिता में आरके मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के खिलाड़ियों में तनिषा, भूमि लाकड़ा, रितिका, आयुषी, कनिष्का, पंकज, शुभम लाकड़ा ने गोल्ड, अंकित, कीर्ति ने सिल्वर, श्रुति, पीहू ने ब्रॉन्ज पदक जीते। इस प्रतियोगिता में आरके मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दी और ट्रॉफी के हकदार बने। ये प्रतियोगिता कोच रवि कुमार नेशनल रेफरी की देखरेख में हुई। रवि कुमार का कहना है कि इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्षेत्र के सभी बच्चों को टाइकोंडो और सेल्फ डिफेंस के लिए मोटिवेट करना, ताकि सभी बच्चे टाइकोंडो सीखकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। हाँ जी रवि जी, बताइए जरा आप। सर, मैं रवि कुमार, मेरी अकेडमी पिंजौर में है, आरके मार्शल आर्ट के नाम से। कई सालों से पिंजौर में मेरी अकेडमी चल रही है और मैं पंचकुला टाइकोंडो एसोसिएशन का अपना जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और अपने अभी लास्ट ईयर अपनी ये 5 लड़की है नेशनल खेल के आई हैं तमिलनाडु कैडेट्स में, और ये पिंजौर की हैं ये सारी गर्ल्स। और इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा बेस्ट दिया नेशनल में। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्वालिफाई कराया, हरियाणा में खेलने गए और इन्होंने क्वालिफाई करा हरियाणा की तरफ से, और हरियाणा की तरफ से खेलने गई हैं ये आयुषी कैडेट्स। लास्ट वेट में खेली थी, पार्टिसिपेशन रही इनकी नेशनल में बहुत बढ़िया। रितिका ये पुमसे में पार्टिसिपेट किया था, टीम पुमसे में। भूमि लाकड़ा, तनिषा नानगरे, सक्षम सब जूनियर में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है नेशनल में। बहुत बढ़िया इन्होंने अपना करा और हम चाहते हैं आगे भी ये बच्चे बहुत अच्छी तरह करें, जिसमें हमारे कई कोचेस भी इसमें शामिल हैं। मेरी एकेडमी में तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जैसे हरजिंदर कोच है हमारे फिलहाल में, उनके बच्चे हैं शिवराज सर जी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, गगन गोस्वामी और मतलब समीर, ये कोचेज बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं हमारे पंचकुला के बच्चों को आगे ले जाने के लिए। और पिंजौर से हमारे ये बच्चे जाते हैं जिन्होंने, और आगे भी हमारी यही रहेगी कि हम पिंजौर से अच्छे बच्चे निकालें, और पिंजौर से क्या पूरे पंचकुला से हम चाहते हैं कि अच्छे निकलें। और सभी कोचेज और बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सभी कोचेज से कहूँगा कि जितने भी पंचकुला पिंजौर में कोचेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हरियाणा की तरफ से अपने बच्चों को खिलाएँ, तो उन बच्चों का फ्यूचर रहेगा। अदरवाइज वो दूसरी स्टेटों से खिलाते हैं, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। आपके सर, मेरी एकेडमी आरके मार्शल आर्ट से 4 बच्चे खेलने गए हैं नेशनल, 5। एक सीनियर में गया है सुमित तमिलनाडु सीनियर नेशनल, और 4 लड़की मेरी से गई हैं कैडेट्स में। कुछ पेरेंट्स अगर आप हैं मेरे पास ऐसे कि जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हम उनके लिए जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं, जितना हमारी एकेडमी जितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ, मैं अपने हम पीछे नहीं हटते। हमारी ये रहती है कि अगर उस बच्चे के अंदर टैलेंट है तो हम उसको आगे तक लेके जाएं। तो सर, बिल्कुल सर, अगर वो गरीब परिवार से है, अगर वो नहीं कर सकता, अगर वो पैसों की वजह से रुकता है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम बच्चे को कभी पैसों की वजह से नहीं रुकने देंगे। निःशुल्क सेवा भी दे सकते हैं आप।